अस्सलाम वालेकुम, हम वापस आ गए एक और वीडियो के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राना अफसर अली खान साहब, सीनियर एडवोकेट और साबिक जो सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल अड्डा के, और अहमद के तैयब भी हैं। तो इनका मशहूर है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद जो इवेंट्स अकर हुए टिल दी सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, तो बांग्लादेश के बनने तक हम लोग ये वीडियो का जो बेसिकली हमारा जो टाइम पीरियड है सारा, हम लोग की हिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। तो अहमद, ओवर टू यू कि पहला क्वेश्चन हमारा किस तरह हो और क्या सर से क्या क्वेश्चन करें। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया थोड़ा सा। तो हमारा ये जो टॉपिक है आज का कि पाकिस्तान किस तरह बना और क्या ऐसे इवेंट्स थे, तो सबसे पहला सवाल तो यही निकलता है कि क्या पाकिस्तान बनना चाहिए था और क्या ये दोनों कौमी नज़रिया की बेस पे बना कि नहीं बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप दोनों नौजवानों का शुक्रगुज़ार हूँ कि तुमने ये मौका मुझे दिया कि मैं कुछ इज़हार ख्याल करूँ। दरअसल पाकिस्तान बनना ही था और कायद-ए-आज़म साहब ने इसमें कोई शक नहीं, सियासी तौर पर बहुत ही अच्छी तरह पाकिस्तान बनाने के लिए पाकिस्तान का सारा जो था एक प्लान बहुत खूबसूरती से चलाया और कन्विंस कर लिया कि पाकिस्तान अलहदा बनना चाहिए। दरअसल देखा जाए तो एक ऐसा स्टेज आया था जिस वक्त दूसरी जंग अज़ीम जारी थी, तो उस वक्त बरतानिया ने ये गालबन फैसला कर लिया था कि अगर हम इंडो पाक भारत के लोग, भारत के सियासतदान, भारत के लोग उस जंग में बरतानिया के जो उसके ख़िलाफ़ अपने क्या नाम था उसका, बरतानिया की फ़ौजों के साथ का साथ दें तो वो इस जंग के बाद इंडिया को छोड़कर आज़ाद करके चले जाएंगे। और वही हुआ कि जंग के बाद 1940 में जो था कायद-ए-आज़म साहब की सदारत में जो इजलास हुआ था, उसमें जो है ये करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो चुकी थी और इस तरह का पाकिस्तान का जो था वजूद के लिए जो सामने आ चुका था प्लान 1940 में करारदाद पाकिस्तान की सूरत में। अब उसके बाद जब ये जंग ख़त्म हुई, दूसरी जंग अज़ीम, और जो इत्तेहादी फ़ौजें थीं उनको कामयाबी हो गई और जर्मन के ख़िलाफ़, तो उन्होंने उसके मुताबिक वापस जाना था। तो उस वक़्त उन्होंने फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो ऐसी कुव्वतें थीं कि जिनके साथ उन्होंने इसकी सेपरेशन के लिए मुज़ाकरात शुरू किए। एक स्टेज ऐसा आया कि जो अगर मैं भूल नहीं रहा तो वो कुछ साइमन कमीशन गालबन था, अगर मैं भूल नहीं रहा तो नाम उसका। तो उसमें जब ये बातचीत हुई तो उसमें कायद-ए-आज़म साहब ने उनकी जो तजवीज़ थी आज़ादी की, कि वो उनकी ये तजवीज़ थी कि हम छोड़कर आज़ाद करके जाते हैं, मरकज़ के अंदर दोनों पार्टियों की हुकूमत होगी मुश्तरका, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, और 3 यूनिट्स में उसको आज़ाद करेंगे, एक पूरा पंजाब, एक ये UPCP जो है जिसको हम कहते हैं, और एक पूरा बंगाल बाहर। ये 3 यूनिट्स में हम आज़ाद करेंगे। यहाँ पर जिसकी अक्सरियत होगी वो हुकूमत बना ले और वो 10 साल का सेटअप होगा। उस 10 साल के अंदर मरकज़ में दोनों की हुकूमत होगी, नीचे सेटअप जिसकी अक्सरियत होगी या हुकूमत उसकी होगी। तो उसमें वो 10 साल के लिए सेटअप होगा। इस दौरान 10 साल के बाद या 10 साल के अंदर अगर कोई यूनिट ये चाहे कि भाई मैं अलहदा होता हूँ तो वो अपनी आज़ादी का ऐलान करते हैं, और नहीं तो ऐसे चलते, अगर सेटअप चलता रहा तो चलता रहेगा। जिस वक्त कायद-ए-आज़म साहब ने इसको कबूल करके मुस्लिम लीग में आए तो कुछ मुस्लिम लीगी जो थे वो इस तजवीज़ से मुत्तफिक नहीं, उन्होंने अपना इजहार अपने तरीके से किया होगा, लेकिन हमने जो पढ़ा है जो सुना है कि कुछ लोग इससे तजवीज़ से मुत्तफिक नहीं थे। लेकिन कायद-ए-आज़म साहब की एक तजवीज़, कायद-ए-आज़म साहब चूँकि उसको तस्लीम कर चुके थे और उनके साथ अक्सरियत थी मुस्लिम लीग की उनकी, तो वो तजवीज़ चल पड़ी आगे। लेकिन जिस वक्त इस पर अमल शुरू हुआ तो कांग्रेस ने जो मरकज़ी वजारतों के लिए नाम दिए उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या एक आध और मुसलमान का नाम दिया। तो जब नाम दिया तो वो वहाँ पर आकर गड़बड़ हो गई। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई हम मुसलमानों के तो हम नुमाइंदे हैं, हमारी पार्टी है, हम मुसलमानों के नाम हम देंगे, तो ये कांग्रेस नहीं दे सकती। कांग्रेस ने कहा कि हमारी पार्टी जो है उसमें तो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, बाकी लोग भी हैं, वो क्या कहते हैं कि सेकुलर है, तो हम तो किसी का भी दे सकते हैं। इस बात पर आकर दोनों का इख्तिलाफ हुआ और कायद-ए-आज़म साहब को भी मौका मिल गया वापस होने का, तो उन्होंने उस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया और वो साइमन जो कमीशन था वो वापस चला। एक स्टेज तो ये आई थी। उसके बाद फिर ये आई कि भाई जहाँ जहाँ इनकी इलेक्शन जो थे उसमें जहाँ जहाँ जिस जगह पर जिस इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत होगी वो पाकिस्तान में चला जाए, और जिधर अक्सरियत नहीं होगी वो भारत में रह जाए। तो उसमें फिर ये सेटअप बना के ये जो पंजाब हो गया, सिंध हो गया, और इसी तरह KPK जिसको हम अब सूबा सरहद जिसको कहते थे, उन्होंने तो हमारे हक में फैसला दे दिया। और बलूचिस्तान के जो वहाँ पर थे ना लॉर्ड्स वगैरह, यानी कि जो नवाब साहिबान वगैरह, ख़ास तौर पर खान अफकलात वगैरह, वो उस वक़्त वहाँ के बहुत मजबूत किस्म के नवाब भी थे और उनके सरखेल थे, तो उन्होंने भी ऑप्शन दे दिया कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। इस तरह ये सेटअप बन गया। लेकिन पंजाब पूरा हमें नहीं मिल सका कि वो बहुत सारे पंजाब के जो ऐसे ज़िले जो पाकिस्तान के साथ पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ होंगे, वो पाकिस्तान के साथ नहीं आ सके। उसकी वजह थोड़ी सी ये है कि जो माउंटबेटन थे उस वक़्त वाइसराय, उसको हिंदुस्तान ने, कांग्रेस ने अपना गवर्नर जनरल बना लिया था, सदर गवर्नर जनरल बना लिया था, और हमारे जो थे कायद-ए-आज़म साहब गवर्नर जनरल थे। तो जाहिर है कि उसने उनका गवर्नर जनरल होने की या सदर होने की वजह से उसका तराजू का पलड़ा उसकी तरफ ज़्यादा जाता था, और उसमें इसीलिए कश्मीर का इशू भी बन गया। फिर कश्मीर के पास उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो फिरोजपुर और इस तरह के कुछ इलाके इंडिया को दे दिए ताकि उनको वहाँ पर पेनिट्रेट करने का मौका मिले उनको। तो इस तरह की उस तकसीम के वक़्त कुछ हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई और मुख्तलिफ़ तरीके से, और कुछ ऐसे ज़िले जो पाकिस्तान में होने चाहिए थे, ईस्ट पाकिस्तान के, वो ईस्ट पंजाब के, वो हमें इस तरह एक समझो कि बेईमानी करके हमारे साथ वो हमसे इंडिया ने ले ली। इसी तरह उधर बंगाल को तकसीम कर दिया, वरना तो एक यूनिट था वो, बंगाल को तकसीम कर दिया, ईस्ट बंगाल हमें दे दिया, वेस्ट बंगाल उनको दे दिया। वो एक यानी कि एक मुस्तकिल किस्म की डिवीज़न ऐसी कर दी कि वो ये आराम से ना बैठ सके। इधर कश्मीर और पंजाब की तकसीम उल्टी कर दी, फिर इधर उधर से बंगाल की कर दी, और नतीजा ये कि जिसका पाकिस्तान बना तो आप पढ़ें उसको जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम, उसमें उन्होंने लिखा कि ये पाकिस्तान जो है ना वो चूँकि उस वक्त इंडिया के साथ कांग्रेस के साथ थे, वो नहीं चाहते थे कि इसकी डिवीज़न हो, तो उन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा कि ये 24-25 साल के बाद टूट जाएगा, और आप देखें कि 23 साल के बाद टूट गया पाकिस्तान। तो मतलब ये तो दो कमी नज़रिया तो यहाँ पे फेल हो जाता है। नहीं, फेल नहीं हुआ। असल में दो कौमी नज़रिया एक और चीज़ है। दो कौमी नज़रिया तो अब भी मौजूद है। अगर आप देखें तो जो कुछ हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ आज भी हो रहा है, कभी गाय माता के नाम पर, कभी मोदी ने एक ख़ास किस्म की सोच और फिक्र जो है वो इंडिया के अंदर पैदा की अपनी इक़्तिदार की खातिर, लेकिन वो दो कौमी नज़रिया तो आज भी वहाँ पर मुसलमान उसी नज़रिए के हिसाब से कि हिंदुस्तान हिंदू जो है, जो बड़ा हिंदू है, ब्राह्मण है, जो भी है हिंदू है, वो कहता है कि हमारी अक्सरियत है तो हमारी ये सब अकलियतें हैं, और वो इस वजह से आज इतनी तादाद में मुसलमान होने के बावजूद भी वहाँ पर पिस रहे हैं, वह जुल्म का शिकार है। तो ये जुल्म का शिकार उस वक़्त भी थे जिसकी वजह से ये सोच पैदा हुई कि एक अलहदा मुमलिकत मुसलमानों की होनी चाहिए जहाँ वो अपने तौर तरीके से, अपने मजहबी हवाले से, नमाज तो उस वक़्त भी कोई नहीं रोकता था, मस्जिदें तो उस वक़्त भी थी, लेकिन अपने तौर तरीके से मुआशरती जो हमारे हैं मामलात वो हम अपने तरीके से चलाने के लिए, जिस पर कोई कतगन ना हो, कोई मार ताड़ ना हो, कोई जुल्म ज़्यादती ना हो, किसी को मस्जिद में जाने से ना रोकें, किसी को गाय माता को हलाल करने के लिए ना रोकें, और इस तरह की बेशुमार हमारे मुआशरती मसाइल थे जिनकी वजह से ज़रूरत थी कि एक मुल्क अलहदा होना चाहिए, और वो अलहदा हुआ। लेकिन चूँकि कुछ डिवीज़न इस किस्म की थी कि 1000 मील दूर दूसरा हिस्सा था, 1500 किलोमीटर, ठीक है ना, 1000 मील दूसरा हिस्सा था। इधर से वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान तक जाने के लिए आपको इंडिया के अंदर से या इंडिया की फ़िज़ा से गुज़र कर 1000 मील जाना पड़ता था, और हम उनकी रहमो करम पर इस तरह चल रहे थे। तो अब पाकिस्तान जो है वो उस वक़्त नागुज़ीर था, ज़रूरत थी, जो बन गया, जिसका आज साबित हो रहा है कि जो कुछ आज इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है तो वो उस वक़्त भी हो रहा था। तो वो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बनना कायद आज़म साहब की क़ियादत में बना। ये वो कायद आज़म साहब एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, एक अच्छे वकील थे, एक अच्छे ऑडिटर थे, और उनकी क़ियादत में पाकिस्तान जो बना उस पर किसी किस्म की कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है कि क्यों बना, लेकिन ये ज़रूरत था, उस वक़्त नागुज़ीर था बनना, तो वो दुरुस्त तौर पर बन गया। अब जब बन गया उसके बाद हमारे अपने मसाइल हैं कि हम उनको उसको सही चला सके या नहीं चला सके, ये असल सवाल है जो आपको देखना चाहिए कि अब इसको बात को छोड़ दो कि पाकिस्तान कैसे बना, क्यों बना, क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये सब कुछ छोड़, ये सवाल ख़त्म हो गए। अब सवाल ये कि जो बन गया हमने उसको कैसे चलाया, क्या हमने ठीक चलाया या हमने गलत चलाया, असल सवाल ये, उस तरफ आप आए अब मेरे साथ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि जब कायद-ए-आज़म की डेथ हुई और लियाकत अली ख़ान की डेथ हुई तो उसके बाद हम देखते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही थी। तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की आदत में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं था जो कि उनकी डेमोक्रेसी को ही आगे लेके चल सकता, या फिर ऐसे क्या? उससे पहले थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बता देना कि कायद-ए-आज़म का जो उनकी जो पॉलिसीज़ थी या जो उनका रोल था, क्योंकि टाइम स्पैन बड़ा कम था क्योंकि कायद की डेथ हो गई थी साल डेढ़ के अंदर, ठीक है। तो कायद के बाद लियाकत अली खान का आना, वो उसका थोड़ा स्पैन बता दें कि उनकी जो टाइम पीरियड में क्या हुआ। फिर उसके बाद जो उनकी दो बड़ी पर्सनैलिटीज़ के जाने के बाद फिर जो गैप आ गया जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर, वो फिर उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा बता देंगे कायद-ए-आज़म का रोल बनने के फ़ौरन बाद पाकिस्तान के। देखो, मैं एक बात बताऊँ आपको, कायद-ए-आज़म साहब बहुत ज़ीरक आदमी थे, बहुत ही ज़ीरक आदमी थे। वो देख रहे थे कि पाकिस्तान तो बन गया है, अब आगे क्या करना है। पहली बात तो ये कि वो बहुत, हम तो ज़ाहिर है, मैं तो उसका डेढ़ पौने दो साल का था, लेकिन जो बड़े हैं हमारे वो बताते हैं कि कायद-ए-आज़म साहब बड़े रंजीदा थे। क्यों? कि वो जो आबादी की शिफ्टिंग हुई है ना, उसमें जो कत्लोगारत हुई, लाखों लोग इधर से भी शहीद हो गए, मारे गए, और वो आबादी का जो ट्रांसफ़र ऑफ पापुलेशन थी वो ग़ालिबन उनके इस प्लान में नहीं थी कि भाई, इसीलिए कहा था कि जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत होगी वो पाकिस्तान में जाएगा, तो वहीं रहेंगे ना। ये जो दूसरे मसला, अगर हिंदू यहाँ से ना जाते तो अक़लियत में होते, अब भी हैं जो थोड़े बहुत हैं, वो यहाँ से जाते थे तो उधर से जो ज़िले हमारे ईस्ट पंजाब में ख़ास तौर पर और बंगाल के अंदर उधर रह गए, उन्होंने आधे हिस्सेदार इधर आधे उधर, तो उन्होंने भी उस वक्त बड़ा जोश और जज्बा था उनके, अपने मुल्क में जाएंगे, तो वो सारे शिफ्टिंग हुई। उस शिफ्टिंग में हिंदू जो थे ना, उन्होंने बहुत बड़ी एक चाल चली कि उन्होंने सिखों को आगे रख कर उनसे कत्लोगारत कराई, और नतीजा ये कि उधर से ख़बर आती थी पूरी गाड़ी कट गई, इधर से फिर इनको जोश आता था, ये भी उनको मारते थे। तो ये एक बहुत बड़ा ही सेटअप था, बहुत बड़ा मैं इस ट्रेजडी अलमिया था, और इस पर इतने वाक़यात हैं, अभी टाइम नहीं है, मैं किसी और नशस्त में आपको बताऊंगा। हमारे वालदैन ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें बताया इस शिफ्टिंग में, क्योंकि हम खुद 2-2.5-3 महीने पैदल जो था ना काफ़िला गढ़शंकर से लाहौर आया, उसमें मैं 1.5-2 साल का, मैं भी उसमें शामिल था। तो वो सारे वाक़यात वो फिर किसी वक्त बात करेंगे। अब आगे आ जाता है कि कायद-ए-आज़म साहब ने पाकिस्तान बनने के बाद जो सबसे पहला ऑर्डिनेंस किया वो क्या था? वो था एंटी करप्शन का, अच्छा, रिश्वत सतानी का। उन्हें पता था कि ये जो मेरे साथ खोटे सिक्के मेरी जेब में हैं, वो कहते थे मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, तो उन्हें पता था कि खोटे सिक्के करप्शन करेंगे। तो सबसे पहला ऑर्डिनेंस जो बना वो एंटी करप्शन का, जो आज तक नाफिज है, 1948 में बना या 47 में बना। दूसरी बात जो मैं आपको एक तारीखी बात बता रहा हूँ, एयर मार्शल असगर खान हमारे MRD का हिस्सा रहे, और वो जब आए अटक, बार में ख़िताब किया उन्होंने, तो उन्होंने उस ख़िताब में इसका इज़हार किया कि अयूब खान तो उस वक़्त CNC नहीं थे, CNC तो अंग्रेज़ था, ग्रेसी के क्या नाम था, तो कायद-ए-आज़म साहब ने सिविल और फौजी ब्यूरोक्रेसी जो थी उसको चाय पर बुलाया और उस चाय में बुलाया तो वहाँ पर जाहिर है कि ये सीनियर फौजी ऑफिसर थे अयूब खान पाकिस्तान के हवाले से। तो वहाँ अयूब खान ने कायद-ए-आज़म साहब के सामने ये ज़िक्र किया कि पाकिस्तान बनाने में फ़ौज का भी बड़ा रोल था और इसका भी कुछ रोल हुकूमत में होना चाहिए। तो कायद-ए-आज़म साहब ने उन्हें कहा शट अप। ये असगर खान ने अटक बार में तकी, उन्होंने कहा मैं भी उसमें शामिल था ना, क्योंकि ये भी ऑफिसर था उसका तो एयरफोर्स का। तो उसने कहा कायद-ए-आज़म से कहा शट अप और उन्होंने कहा कि आइंदा ये पी कैप पहन कर मेरे सामने नहीं आएगा। और फिर असगर खान ने जो अपनी किताब लिखी है उसमें भी ये वाकया लिखा उसने, उससे भी तस्दीक होती है। तो अब इसी से आप जो सीनियर तरीन हमारा फौजी ऑफिसर था उसकी ये रोल, ये उसकी सोच थी। तो अब जाहिर है कि उसके हमायती भी फौज में थे ना, फौज में थे। फौज तो एक ऐसा इदारा है कि जिसमें हुक्म चलता है और कोई ऑर्डर चलता है ना। तो वो सबसे फिर जब वो उसके बाद जब कायद-ए-आज़म साहब शायद ज़िंदा रहते तो ये CNC भी ना बनता। कायद-ए-आज़म साहब हो गए फौत, उसके बाद वो ग्रेसी साहब चले गए। ये सीनियर आदमी था, इसने जिसकी ये सोच थी पहले दिन से, उसने अपनी करके सारी वो क्या कहते हैं गेम डिप्लोमेसी, हाँ डिप्लोमेसी करके वो CNC बन गया। उसने वैसे भी सीनियर था। अब उसके बाद खेल आगे चलती है ना। तो लियाकत अली खान नहीं थे उस टाइम, उनको नहीं पता था ये सारे मामले। लियाकत अली खान का एक मसला था, इसीलिए वो मर्डर हुए। अपनी भी राय है ना, मेरी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी राय ये है कि लियाकत अली खान का कोई पाकिस्तान में, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में कोई हलका नहीं था जहाँ से कि वो इलेक्शन लड़ के जीत सके। कोई हलका नहीं था। और ये जो दौलताना और शौकत यात और ये बड़े बड़े लोग जो थे वो ये शामिल हुए थे कायद-ए-आज़म के साथ। तो ज़ाहिर है उनकी भी नज़रें थी कि भाई ऊपर, लेकिन लियाकत अली खान भी सियासी आदमी था। उसने क्या किया अपना हल्का बनाने के लिए, खोखरा पार्क का बॉर्डर खोल दिया, जहाँ से वो UP CP के सारे लोग एंटर होकर कराची में आ गए। महाजर जिनको कहते हैं, वो उसका हल्का बन गया। अब इनको मसला बन गया, फौज को भी और ये पंजाबी सियासतदानों को भी, कि ये तो भाई इसको तो हम नहीं गिरा। अगर वो जिंदा रहे और वो MNA बने इलेक्शन में तो उसको वज़ीर-ए-आज़म से कोई हटा नहीं सकता। वो कायद-ए-आज़म के साथ था, कायद-ए-आज़म के साथी था, और लोग भी थे उसके। और भी वजूहत होंगी जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि उससे नाला होकर एक साजिश के तहत उसे कत्ल कर दिया गया रावलपिंडी में, और जो मारने वाला था उसको भी कत्ल कर दिया। और वो कत्ल करने वाला जो उसको था वो खैर से हमारे इलाके का था। अच्छा, DIG बाद में बना जो नजीब। तो ये सारी बातें इस तरह है। अब उसके बाद लियाकत अली खान मर्डर हो गए, अयूब खान CNC बन गए, यानी उधर से जो कायद-ए-आज़म के बाद बने थे अपना क्या नाम है ख्वाजा नाज़िमुद्दीन गवर्नर जनरल, वो जब लियाकत अली खान वो बंगाली थे, जब कत्ल हो गए लियाकत अली खान तो उनको गवर्नर जनरल से फिर, क्योंकि वो साथियों में से थे, उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। गवर्नर जनरल जो था वो गालिबन, अब मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल गुलाम मोहम्मद साहब बन गए। गुलाम मोहम्मद साहब बन गए, जिनकी रालें टपकती रहती थी, जो सही बोल ही नहीं सकते थे, है नहीं तो लियाकत अली खान की डेथ के बाद और कायद-ए-आज़म से चले गए, तो उसके बाद एक देखते हैं हम डिक्टेटरशिप का बड़ा लंबा अरसा आता है। तो क्या जमहूरियत में इस तरह कोई नहीं था इनको अपोज करने वाला, जो लीडर कोई आता? पहले दिन से ही हम इक़्तिदार की जंग में शामिल हो गए। पंजाब में ख़ास तौर पर, पंजाब बड़ा सूबा उस वक़्त भी था, सूबा क्या था उस वक़्त तो वन यूनिट था, है जी। तो जो कराची वगैरह में थे वो सारे महाजिर थे, जो आए हुए उनके को हल्के नहीं थे, ये यहाँ सेटल थे, जिसमें बड़ा बड़े नाम थे, शौकत याद, दुल्ताना और पता नहीं कहे बहुत सारे, ये टिवाणे, तो फलाना, भावलपुर, बहुत बड़े बड़े लोग थे ना। तो ये कब बर्दाश्त करते थे कि भाई कोई वहाँ से कराची से आके वज़ीर आज़म बन जाए, है नहीं? तो उसका बंदोबस्त तो उन्होंने करना था ना, वो कर दिया। लेकिन चलो उसके बाद ज़ाहिर है गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद साहब बन गए, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब वज़ीर आज़म बन गए, वो चलता रहा। फिर एक स्टेज ऐसा आया कि वज़ीर आज़म चेंज होते रहे, बनते रहे। मुझे इतनी लंबी अभी मेरी याददाश्त भी थोड़ा सा फ़र्क है कि बहरहाल वज़ीर आज़म बन गए सुहरावर्दी साहब। एक इलेक्शन हुआ जिसमें सुहरावर्दी साहब की वज़ीर आज़म बन गए, और उधर ईस्ट पाकिस्तान में जो उनका था ना इत्तेहाद, मुझे याददाश्त मेरी कुछ जवाब दे रही, मुझे ये सारे नाम अब उधर जो था ना इत्तेहाद, उसका एक नाम था, उसकी वहाँ ईस्ट पाकिस्तान में हुकूमत बनी, जो इस्लामी वो तो नहीं था जो इत्तेहाद हुआ था। नहीं, वो तो बहुत बात की बात है। मैं लेकिन कुछ अरसे बाद इनको बर्दाश्त नहीं था, इन्होंने उस इत्तेहाद की हुकूमत भी तोड़ दी और सुहरावर्दी साहब की इलेक्टेड हुकूमत गुलाम मोहम्मद साहब वगैरह ने तोड़ दी। और उसके बाद क्या नाम है, सुहरावर्दी साहब की जब हुकूमत तोड़ी तो उसने अवामी लीग की बुनियाद रखी, अवामी लीग की, जिसका स्टूडेंट लीडर मुजीबुर रहमान था, है जी, जो बाद में उसका बड़ा, उस वक़्त इस अवामी लीग में नवाबजादा नसरुल्ला भी शामिल था और कुछ लोग भी शामिल थे। बहरहाल वो उसने मुस्लिम लीग छोड़कर अवामी लीग की बुनियाद रखी, अपने साथ ये ज़्यादती होने पर, क्योंकि मुस्लिम लीग ही ज़्यादती कर रहे थे और तो सियासी पार्टी की कोई नहीं, आपस में ही लगे हुए थे। तो गवर्नर जनरल जो था ना गुलाम मोहम्मद, उसके बाद बन गए गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। और सिकंदर मिर्ज़ा की और अयूब खान की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, क्योंकि दोनों ही अपने अपने इक़्तिदार के शिकार में थे। सिकंदर मिर्ज़ा हर महीने 2 महीने बाद वज़ीर आज़म बनता था, उसको ख़त्म करके दूसरा मंगाते, कभी चौधरी मोहम्मद अली लग गया, कभी मोहम्मद अली बोगरा बन गया, कभी आई.ए. चौधरीगर बन गया, कोई 1.5 महीने, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने के। आखिर 1956 में पहला आइन चौधरी मोहम्मद अली साहब ने इंट्रोड्यूस कराया। जब वो उसने कराया इंट्रोड्यूस, तो ये इनके कान फड़के, अयूब खान के भी तो सिकंदर मिर्ज़ा के भी, कि ये क्या है, ये तो दूसरी तरफ जा रहे हैं। उस पर फिर उन्होंने उस आइन को भी मुअत्तल किया, हुकूमत भी तोड़ी, और वो सदर रहा और अयूब खान मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया और एग्जेक्टिव जिसे कहते हैं वो बन गया। तो यहाँ से तो एक सवाल उठता है कि पहला जो मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगा वो तो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू लगा, क्योंकि सिकंदर मिर्ज़ा तो ब्यूरोक्रेट थे। ब्यूरोक्रेसी तो उन्होंने और ब्यूरोक्रेसी और फौज मिल दोनों की मेरी भगत से। इससे पहले एक मार्शल आर्ट लग चुका था, उससे भी उन्होंने ताकत पकड़ी थी। वो 1952 या 53 में ख़त्म नबूवत की तहरीक जो लाहौर में उठी थी उस पर मार्शल आर्ट लगा था लाहौर की हद तक, जिसका मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर जनरल आज़म साहब थे। वो कुछ अर्सा रहा, उसमें मौलाना मौदूदी साहब और मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी गिरफ़्तार हुए और उनको सजाए मौत का हुक्म हुआ। ये किसने किया? मार्शल आर्ट कोर्ट ने किया, फौज ने किया। बाद में फिर मुख्तलिफ कार्नर से इधर उधर से होके उनकी दोनों की सज़ा माफ़ हो गई, सजाए लेकिन सजाए मौत दोनों उसमें हो गई। मार्शल आर्ट की वहाँ से आगाज़ हो गया था। 1952 था या 53 था जब पहला मार्शल आर्ट लगा। फिर जिसका अयूब खान ने मार्शल आर्ट लगाया तो सबसे पहला मार्शल वही आज़म खान ईस्ट पाकिस्तान में पहला मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर था। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में जो बाद में बांग्लादेश बना उसका ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर 2 सूबे थे, उसका वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान। ये सूबे नहीं थे, ये जो सिंध फलाना हालांकि डिमांड थी लेकिन नहीं थे। हैं स्टेट्स क्या लोग? दो सूबे थे। तो उधर मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? आज़म खान था। इधर का मुझे अब याद नहीं कौन था। तो ऑन दी होल अयूब खान था। जब अयूब खान ने मार्शल आर्ट लगा दिया फिर जाहिर है कि उसके साथियों ने उन्होंने सोचा कि भाई अब सिकंदर मिर्ज़ा को हम किधर लेके फिरते रहे हैं कि इस ये भी है मैं भी हूँ, किधर जाएँ। फिर इन्होंने उसको सिकंदर मिर्ज़ा से कहते हैं कि पिस्टल शिस्टल रख कर उससे शर्ट करा के फारग करा के उसको जहाज पे चढ़ाया और बरतानिया भेज दिया और फुल मार्शल आर्ट लग गया अयूब खान का। ये हमारी जो हमारी याददाश्त है, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमें कुछ पता है वो तो ये है। अब इसमें जाहिर है कि आप नसाबी किताब कोई उठाएंगे उसमें तो आपकी यूनिवर्सिटी तक भी किसी जगह भी ये बातें नहीं होंगी। बस यही होगा कि 1968 इतने में मार्शल आर्ट फलाने लगा दिया, 58 में फलाने लगा दिया, उसने यह कर दिया, बड़ी उसने आकर ये कर दिया वो कर दिया। ये सारी चीज़ें अपनी जगह। अब जाहिर है कि जब आप ताकत से आएंगे और अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए आएंगे तो फिर वो कुछ सख्ती भी तो होगी ना, तभी लोग दबेंगे ना। अब अयूब खान ने आकर तमाम सियासतदानों को एब्डो कर दिया, सब पर पाबंदी लग गई। कोई आदमी सियासतदान बड़े बड़े जो थे ना सब एब्डो हो गए, जितने भी थे उस वक़्त, यानी वो सब एब्डो हो गए। यानी एब्डो से मतलब ये कि उनके पाबंदी लग गई कि वो कोई सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, सियासी एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई सियासी पार्टी नहीं होगी। जो भी हो रहा था वो अंडर द ग्राउंड हो रहा था। वो अंडरग्राउंड आपस में जो मर्जी करें लेकिन ऑन द फेस वो उन पर पाबंदी थी सियासत में हिस्सा लेने की। फिर कुछ उसने अपने मनवाने के लिए कि मैं बड़ा सख्त हूँ, बड़ा बाख्तियार हूँ, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। कुछ ये जो हमारे ताजर साहिबान हैं, जो बाज़ार हैं, इनमें भी उसने सख्तियाँ की। कुछ लोगों को कोड़े भी लगे, कुछ लोगों को जेलें भी हुई। इस तरह से उन्होंने अपनी धाक बिठा कर अपना होल्ड कर लिया। और फिर वो होल्ड उन्होंने जो पहला इलेक्शन कराया उसके बाद टूटना शुरू हुआ। 1963 में पहला इलेक्शन जो उन्होंने कराया बीडी सिस्टम पर 70 में नहीं हुआ था पहला इलेक्शन जो ऑफिशियल इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान का, जिसमें मुजीबर रहमान और नहीं उससे पहले भी, उससे पहले अयूब खान और मादर मिलत का सदारती इलेक्शन हुआ था जिसमें मादर मिलत जो थी वो फातिमा मादर मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना अयूब खान के मुकाबले में थी और वन मैन वन वोट नहीं था। जो बीडी काउंसलर्स थे ना वो सिर्फ वोट उनकी वोट थी, वोट उन्होंने वोट डाले थे। अब जाहिर है कि मैं एक जगह काउंसलर हूँ तो फौजी आन के इधर पाओ और तो मैं ना बस। और उस टाइम पे अवामी लीग की सपोर्ट थी मादर मिलत को, सबकी थी जितने जमहूरियत पावर्स थी सबकी थी। फिर उसके बाद अयूब खान ने जब सदारती इलेक्शन जीत लिया, जैसे भी जीता, फिर उसने अपनी पार्टी बनाई कन्वेंशन लीग। 62 में पहले उसने अपना आइन दिया, 1962 में अपना आइन दिया और अपनी कन्वेंशन लीग नाम रखा कन्वेंशन मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को सारे रगड़ते रहे ना, कन्वेंशन मुस्लिम लीग नून हो रही है। फिर मादे मिलत के खिलाफ इलेक्शन लड़के जीता। फिर जो दूसरी मुस्लिम लीग थी उसने अपना नाम रख दिया कौंसल मुस्लिम लीग। उसने कौंसल मुस्लिम लीग, ये कन्वेंशन मुस्लिम लीग। अच्छा जी। फिर अब तो आप पता ही है कितनी लीगें चल रही, काफ लीग तो, जिनाह लीग तो, कैद-ए-आज़म, पता नहीं क्या क्या चल रही है, लेकिन लीग ही लीग चल रही है। अता के शेख रशीद एक सीट वाला बंदा, वो भी अवामी मुस्लिम लीग। समझे ना, ये मुस्लिम लीग क्या हाल है। अब पूछो और क्या पूछते हो। अच्छा, और बस आखिरी सवाल ही रहता है। अच्छा जी, पाकिस्तानी हिस्ट्री हम करें तो थोड़ा सा कंपैरिजन में कर जाएं तो ये इवेंट्स तो पाकिस्तान में हो रहे थे, तो ये इवेंट्स इंडिया में क्यों नहीं हो रहे थे इस तरह के? इंडिया में डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी थी। इंडिया में हर 5 साल के बाद मुतवातर इलेक्शन होता रहा और वहाँ वो जो डेमोक्रेसी थी ना वो स्टेबल होती रही, मजबूत होती रही। बल्कि एक वाक़या ऐसा है जो मैं आपको बताऊँ कि इंदिरा गांधी इलेक्शन हार चुकी थी, हार गई थी, वो अपोजिशन में थी, तो उसके ख़िलाफ़ जो हुकूमत आई थी उसने कोई केसेस बनाए थे। जो वो जाहिर है कि केसेस की पैरवी के लिए आती जाती थी, तो उस दौरान एक जनरल ने इंदिरा गांधी को आकर कहा कि आपके साथ ये बड़ी ज़्यादती है, आपका ख़ानदान इंडिया का बुनियाद रखने वाला ख़ानदान है, ये है वो है, तो आपके साथ ये बड़ी ज़्यादती है, अगर आप हुक्म दें तो हम कार्रवाई करें। उसने कहा बैठो इधर, बैठ के दूसरे कमरे से जाके उस वक़्त के वज़ीर आज़म को फ़ोन किया कि एक जनरल मेरे पास आया हुआ है, वो ये कहता है गो एट। उन्होंने उसको वहाँ से ले गए, गिरफ्तार किया, फारिग कर दिया। तो ये हमारे यहाँ जरा कहता है आ मैं तो ना इक़्तिदार देना, दौड़े जाते हैं सारे। ये फ़र्क है ना। हाँ जी, ये फ़र्क है। चले आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं जो हमारा मतलब एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो होगी। तो आखिरी सवाल हमारा यही था कि ऐसी आप थोड़ा बता दें कि कैसे क्या क्या मेन वाक़यात है जो कि पाकिस्तान को तोड़ने में काम है, मतलब कि बांग्लादेश अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया। देखो पहली बात तो ये है कि हमने ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे ना उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया शुरू से। हम उनको किसी जगह भी, हालांकि उनकी हमसे ज़्यादा वो पॉपुलेशन भी थी और पाकिस्तान बनने में उनकी कुर्बानियाँ भी ज़्यादा थी, लेकिन हमने उनको उनकी हकूमत बनने नहीं दी। नाज़मुद्दीन को हटाया, हुसैन शहीद सरवर्दी को हटाया, ये सब बंगाली थे ना। हुसैन शहीद सरवर्दी को हटाया, हमने किसी को टिकने नहीं दिया ना वहाँ ईस्ट पाकिस्तान में, ना यहाँ टिकने दिया। दूसरा ये कि हम आप उस वक़्त की नज़र मारें, आपकी क्रिकेट टीम देख लें, कोई बंगाली नज़र नहीं आएगा, एक आध कोई नज़र शायद आ जाए। फौज में उनका रेशियो देख लें, कहते थे ये इनके छोटे छोटे कादे, ये लड़ ही नहीं सकते, पंजाब डोमिनेट रहा है मतलब, है जी। फिर जनाब आगे से अयूब खान का मार्शला आ गया, तो इधर तो सब कुछ था उनके लिए, तो वहाँ हमने कुछ नहीं किया। वहाँ पर तो सारा जो था ना पटसन सिर्फ होती थी, वो पटसन भी जो ज़र मुबादला आता था वो इधर आता था। इसीलिए याद है तुम्हें कि मुजीबुर रहमान ने कहा था कि हमें नहीं, हमने इस्लामाबाद और इधर हमें पटसन की बू आती है। तो यानी कि हमने ना फौज में, अब हत्या कि हमने अपनी फौज का सेटअप तक सही ईस्ट पाकिस्तान में नहीं बनाया, सही सेटअप तक हमने नहीं बनाया जो जिस तरह इधर बनाया। तो ये सारी बहुत सारी महरूमियाँ थी, बहुत सारी वजूहत थी। फिर दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात कि जब हमने 70-71 का इलेक्शन हुआ, उस वक्त फौज की हुकूमत थी और उन्होंने उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया। उस वक्त जब उसने 6 नुकात दिए थे, तो क्या फौज को नहीं देखना चाहिए था कि ये 6 नुकात जो हैं इनका आगे जाकर इफेक्ट क्या बनेगा, क्या होगा? नहीं किया। उसकी वजह क्या है कि उस वक्त या खान के साथ माशाल्लाह जमात इस्लामी पूरी तरह इख्तदार में थी और उनका भी मशवरा होगा, बाकी जो उनकी एजेंसियां थी उनका भी ये था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में मिलाकर कोई अक्सरियत नहीं लेगा और ऐसा सेटअप आएगा जिसमें आपकी मर्ज़ी चलेगी, तो इसलिए आप ही सदर रहेंगे। इसलिए उन्होंने उधर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन भुट्टो साहब ने जब 1967 में अपनी पार्टी बनाई, 67 30 नवंबर 1967 को पार्टी बनाई, तो उनके पास इतना टाइम नहीं मिला कि वो ईस्ट पाकिस्तान में जाकर अपनी पार्टी का सेटअप बना दें। उन्होंने चूँकि एक ऐसा एकदम अपसर चल चुका था अयूब खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ कि उनको तहरीकों में यहाँ ही शुरू हो गए, कभी जेल गए, कभी बाहर गए, कभी जलसे गए, तो उधर वो सेटअप नहीं बना सके। उन्होंने वहाँ भाषानी से अपना इत्तेहाद बना लिया था, मौलाना भाषानी के साथ इत्तेहाद बना लिया था कि वो मुजीब का तोड़ भी था भाषानी। तो उधर जमात इस्लामी भी थी, अलशमा से अलबदर जमात इस्लामी की थी ना, वो भी थी। तो इसलिए उनका ये ख्याल था कि भाई ये कोई इस तरह वाज़े अक्सरियत कोई नहीं ले सकेगा और फौज या खान अपनी मर्ज़ी कर लेगा। तो इसलिए लेकिन जब इलेक्शन पहले तो भाषानी ने भुट्टो साहब को तंग करना शुरू कर दिया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। आखिर भुट्टो साहब ने एक कराची में या कहाँ जलसा करती कहा, ये रोज़ कहता है अस्सलाम वालेकुम, जाओ आज वालेकुम सलाम। वो उधर मारक हो गया। भाषानी ने जब इलेक्शन थोड़े दिन रहते थे इलेक्शन का बाइकाट कर दिया। हाँ, भाषानी मुजीबुर रहमान को पूरा खेल, भाषानी बाइकाट कर गया, यानी जमात इस्लामी कोई सीट नहीं ले सकी जो एजेंसियों को या खान को यकीन दिला रही थी कि हमारा वहाँ बड़ा सेटअप है। वो सीट नहीं ले सकी, कोई 2-3 सीटें सिर्फ के अलावा बाकी सब मुजीब 2 सीटें, एक वो तिरी देव राय और एक और जो यहाँ बाद में कुछ दिन के लिए जब जंग के दौरान वज़ीर आज़म बनाया था नूरुल अमीन, 2 सीटों के अलावा सब वो ले गए। 2 सीटें ठीक है ना। और भाषानी वहाँ से भाग के इंडिया चला गया और सबसे पहले इंडिया ऑल इंडिया से या काशानी से या वो क्या है उनका रेडियो स्टेशन था, ऑल इंडिया रेडियो, एक और था काशानी है क्या ऐसे कोई नाम था, वहाँ से सबसे पहले बांग्लादेश का भाषानी ने लगाया। अब ये सारा सेटअप है। अब जब इलेक्शन हुए हैं तो इधर भुट्टो साहब ने अक्सरियत ले ली, यहाँ और पार्टियों ने भी वोटें दी, उनकी भी सीटें थी, लेकिन भुट्टो साहब की अक्सरियत इधर हुई। मुजीब तो उधर सीप कर गया। अब असूलन तो ये था कि हम जिस पार्टी की भी हुकूमत बने उसको हुकूमत दे दें, लेकिन उसके आड़े आड़े से 6 नुकात, आप कभी 6 नुकात की पढ़े हैं आपने? पढ़े, उसको पढ़ें। क्या वो 6 नुकात की बुनियाद पर अगर कोई हुकूमत बन जाती तो कितने अरसा तक वो चल सकती। लेकिन वो 6 नुकात एंटी स्टेट भी तो थे उस टाइम। वही मैं कह रहा हूँ ना, एंटी स्टेट भी थे उस वक्त। जब वो हुकूमत जब वो लड़ रहा था इलेक्शन, जब उसने मंशूर दिया, उस वक्त ये कहाँ थे हुक्मरान? उस वक्त मार्शला था ना, हुक्मरान कहाँ थे? एंटी स्टेट थी, तो उसको क्यों इजाज़त दी उन्होंने उन इश्यूज़ पर इलेक्शन लड़ने पर? जब उन इश्यूज़ पर वो इलेक्शन लड़ के आएगा तो उसका दिमाग कुछ और होगा ना। जब वो इश्यूज़ के बगैर लड़ता, उसको शायद वोटें भी कम मिलती और शायद उसका दिमाग भी और होता इक़्तिदार के लिए। तो अब वो तो इक़्तिदार चाहता था कि मुझे दे दो। अब ये जो बैठे हुए इक़्तिदार में फौज थी, ये उस 6 नुकात पर देने को तैयार नहीं थी। फिर भुट्टो साहब ईस्ट पाकिस्तान जाते रहे, मुजीब के साथ मुज़ाकरात करते रहे। मुझे कुछ याद पड़ता है कि आखिर भुट्टो साहब का एक बयान आया कि पता नहीं 4 के 5 नुकात के ऊपर हमारा मुजीब के साथ सेटल हो गया है, 1-1.5। इस दौरान याया खान ने मुजीब से गेटमिट कर ली। मुजीब ने कहा कि तुम जरा इलेक्शन है ना, इसको तुम जो असम्बली का इजलास है वो ढाके बुलाओ, हालांकि इस्लामाबाद कैपिटल, ढाके बुलाओ। ये इतना उसके आगे दब गया कि इसने ढाके इक़्तिदार वो इजलास बुला लिया। भुट्टो साहब ने कहा हम नहीं जाएंगे। उसकी क्या वजूहत थी? 2 वजूहत। एक तो फौज का ये था कि 90 दिन या ऐसे कुछ दिन थे, 60 दिन या 90 दिन के अंदर जो हम खाका देंगे आइन का, उसकी उस खाके की बुनियाद पर असम्बली जो है वो आइन बनाएगी, ठीक है। और अगर नहीं बना सकी, मुतफिक ना बना सकी, तो ये ऑटोमेटिकली असम्बलियाँ जो हैं डिसॉल्व हो जाएंगी। दूसरा ये है कि मुझे सदर रखो, ठीक है। मुजीबुर रहमान ने पता नहीं उसके साथ क्या गेटमिट की, और बजाय इस्लामाबाद यहीं से बुनियाद गलत हो रही थी ना कि पहला इजलास ढाके हो रहा है बजाय इस्लामाबाद के। तो भुट्टो साहब ने उस पर एतराज़ किया कि हमारा कोई मेंबर नहीं जाएगा, कोई जाएगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा, बनता भी था, हम नहीं जाएंगे। तो नतीजा ये कि वो इजलास नहीं हुआ, ख़त्म हो गया, क्योंकि पूरा एक सूबा नहीं था। तो उसके बाद फिर आगे सिलसिला चलता रहा, फिर इंडिया इन्वॉल्व हो गया, फिर उधर लड़ाई शुरू हो गई। स्टूडेंट्स भी काफ़ी मरे थे, स्टूडेंट्स पे भी फायरिंग की गई, बहुत सारी। फिर तो बहुत सारी कहानियाँ हैं ना। वो फिर करते करते आखिर इंडिया ने वो जो वक्ती बानी के नाम पर अपनी फौजियों को भेजा, कुछ उनको ट्रेनिंग दी, कोई अपनी फौजियाँ, सब बंगाली थे ना, बंगाली थे, वो भी बंगाली थे, तो सबको उधर भेजा। बस उसमें हमारा जो था सिलसिला 71 की जंग में वो हमें नुकसान हुआ, हमारा जो था ना मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया, बांग्लादेश बन गया। लेकिन आखिर पे मैं एक बात करता हूँ, वो बड़ी अहम है। शायद वो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि जो जनरल टिक्का खान साहब ने वहाँ पर जो शुरू किया था ना फौजी एक्शन, उसके तो जनरल थे ना, जनरल वो वहाँ थे, उन्होंने एक्शन शुरू किया था टिक्का खान ने। जब वो रिटायर हो गए तो वो पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी बने। अच्छा। और जनरल सेक्रेटरी बने मेरे पास, हम उनके पास भी जाते थे, वो मेरे पास भी आते थे। एक स्टेज ऐसा आया 88 के इलेक्शन में कि वो मेरे घर ई ब्लाक में वहाँ आए, और भी लीडर साहिबान थे हमें राज़ी करने के लिए, क्योंकि हमने बगावत की हुई थी कि हम नहीं साथ देंगे, क्या हमसे पूछे बगैर टिकट दिए गए, हमें इग्नोर किया गया है, जिन्होंने मार्शल लॉ के खिलाफ जंग की है। वो आए हुए थे, तो वहाँ गपशप होती रही हमारी आपस में, पार्टी थी, तय हो गया मसला। तो मैंने दो बातें जनरल टिक्का खान साहब से पूछी थी। मैं कहा जनरल साहब, उसने न्याजी ने जो हथियार फेंके वो ठीक था? कह रहे नो। मैं कहा जी आप अगर होते क्या करते? वो कहता है कि मैं अगर होता तो मैं जो फौज बच गई थी उनको एक जगह इकट्ठा करता, इकट्ठा करके बर्मा जो था उससे मैं रास्ता मांगता, वो न देते तो मैं हमला करके वहाँ, वो छोटा सी जगह, वो हमारी फौज बड़ी तकड़ी थी, तो हम उस पर उसके बॉर्डर पर कब्जा करके इस इंडियन फौज के साथ वहाँ से लड़ते रहते। और अगर वो भी ना होता तो ये नौबत आ जाती, तो मैं इस तरह हथियार कभी ना डरता, मैं अपने आप को शूट करता। ये उन्होंने जनरल साहब ने, अब ये पता नहीं और किसी को पता है कि ये मेरे साथ गुफ्तगू है, और भी लोग होंगे वहाँ, शायद उन्होंने कहीं और भी कहा हो, लेकिन मुझे मैंने अभी तक ये बात कहीं पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, जो मेरे साथ उन्होंने बात की थी। ये वो आखिरी बात ठीक है। आज का काफ़ी इवेंट्स तो हिस्ट्री में हमारे चलते रहे विद टाइम, लेकिन हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे कि 71 के जो बैकग्राउंड पे इवेंट्स चलते रहे, पाकिस्तान पहले किस तरह बना, उसके बाद जो इवेंट्स होते रहे, और फिर इवेंट्स वो एक मतलब सीक्वेंस बनती रही, जो 71 तक सीक्वेंस किस तरह बनी, और फिर पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान का टूटने के नतीजे। तो फिर इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, आई गेस इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बहुत तफसील से और बातें आएंगी। मैं भी, मुझे कुछ दिन पहले बताना, मैं अपनी याददाश्त भी फ्रेश कर लूँ इंशाल्लाह। ये तो आप अचानक आज आ गए। इस वीडियो में हम काफ़ी खामोश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी उतना ग्रास्प नहीं है या स्टडी नहीं है नॉलेज के नाम है हिस्ट्री की, और पाकिस्तान जो हमने पढ़ा हुआ है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर। क्योंकि देखो ना, अभी 70-71 के बाद तो हम खुद बहुत बड़े सियासी वर्कर रहे थे ना, उससे पहले की बातें तो हमने पढ़ी हुई, सुनी हुई, बुज़ुर्गों से, इधर उधर से, खुद तजिया करके बताई है ना। आगे जो आया ना वो तो हमारे अपने आँखों देखा आ रहा है ना। तो इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम इससे ज़्यादा तफसील के साथ जाएंगे और आज तक का डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के बाद भी फिर जब पाकिस्तान टूटने, फिर उसके बाद हमारे इकॉनमी का जो असल डाउनफॉल शुरू हुआ था वहीं से शुरू हुआ था। फिर देखेंगे, फिर बीच में बात करेंगे IMF तो खैर पहले ही आ गया था, IMF अयूब खान के दौर में आ गया था, लेकिन फिर उसके बाद वो फिर क्या इवेंट्स आए कि हम बार बार IMF की तरफ जाते रहे, और फिर इकॉनमी हमारी जाती रही एक तरफ, एक साइड होती रही, और फिर बहुत सारे इवेंट्स हैं, फिर कारगिल की फिर वॉर्स भी हमने डिस्कस नहीं की, क्योंकि ये हमसे वो तो बाद में, ये तो आपके वाक़यात हैं ना, तो वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, इतना आपका टाइम दिया। आप नौजवानों का शुक्रिया है कि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को ट्रेस करने में लगे हुए हैं इंशाल्लाह। ये आप, जब तक हम असल हक़ाइक़ ट्रेस करके लोगों के सामने नहीं रखेंगे, हम आगे तरक्की नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। यानी आज तक यही मसला चल रहा है, इस्टेब्लिशमेंट फौज, ये सारी चीज़ों से, तभी जब तक हम लोगों को अवेयरनेस देंगे कि होता क्या रहा है, और हिस्ट्री क्या है और हम पढ़ते क्या है हिस्ट्री, तो फिर मामला ठीक हो। बिल्कुल ऐसा ही है इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।